हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं अभी व्हाट प्लेयर्स। तो फाइनली गाइस, मैं काफी टाइम बाद वापस आ चुका हूँ सर्वाइवल वर्ल्ड में और आज इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ डू सर्वाइवल सीरीज में, बिकॉज भाई अकेले खेल के बहुत बोर हो चुका था। तो मैंने सोचा इसको डू में कन्वर्ट कर देते हैं और मैं अपने एक फ्रेंड को इन्वाइट करूंगा और उसका भी छोटा यूट्यूब चैनल है, वो आपको खुद बताएगा क्या नाम है उसका, ठीक है, उसको बुलाएंगे। और बाकी मेरे अपनी स्किन चेंज करते हैं आपको लोग को दिखा देता हूं मैं, तो इसको हटाओ। हाँ, तो गाइस ये देखो मेरी न्यू स्किन, जिसको पता होगा भाई कि मैं पहले हैकर स्किन यूज करता था जो कि ब्लैक कलर की थी, बट अभी थोड़ी सी मैंने चेंज की है और ये काफी यू नो मेरे को ओपी लग रही है। बाकी आप मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। और चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइक गेम कुछ नहीं, जितने लाइक करने कर दो और कमेंट भी करके बताओ आपको ये कैसा लग रहा है। और आप मेरे को कमेंट में ये भी बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, ये मेरा जो डू सर्वाइवल सीरीज वाला है, और काफी अच्छे अच्छे अपडेट अभी आते रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो, इसको इन्वाइट करते हैं और करते हैं आज का गेम प्ले स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मेरा दोस्त आ चुका है। तो ये देखो बोर्ड में बैठ के आ रहा है, पता नहीं कहां से आया है, और इसका नाम है भाई लेजी बॉय। यस, आई थिंक इसका लैग मार रहा है, डोंट नो, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो भाई अभी आपको इंट्रो देगा अपनी, ठीक है। तो लेट्स गो भाई, स्टार्ट हो जा। अभी बता दे अपनी मेरी ऑडियंस को अपने बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है यश, जैसे कि आपने इसने बताया ही है। तो मेरा एक चैनल है जिसका नाम है लेजी बॉय। तो आज से हम दोनों पता नहीं क्या करने वाले हैं, यश को ही मालूम है क्या करने वाले हैं। मतलब क्या मैंने बता दिया भाई, सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं डुओ वाली मेरे वर्ल्ड में। हां तो सही है भाई, इसके वर्ल्ड में हम सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी आप कमेंट्स में बता देना कि आपको ये वाली सर्वाइवल सीरीज में क्या क्या देखना पसंद होगा आगे के लिए। तो चलो फिलहाल के लिए मुझे अपना वर्ल्ड टूर देना स्टार्ट करेगा। हाँ, तो गाइस इसमें वर्ल्ड टूर देने वालों पहले, बिकॉज इसको नहीं पता मेरे वर्ल्ड में क्या क्या बना है, तो आ जाओ भाई देखो वर्ल्ड टूर देता हूँ, ठीक है। चलो अभी वर्ल्ड टूर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाए, यहाँ पे तो ये मेरा स्टार्टर हाउस है जो कि मैंने ऐसे ही बना दिया था। मतलब मेरे को था एक हाउस बनाना तो मैंने बना दिया। ओ भाई साहब ये कैसे करोगे एकदम से। चलो एनीवेज अभी चलते हैं आगे। तो ये देख भाई ये मेरा घर है, ठीक है, जहाँ पे सारा सामान पड़ा रहता है, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ ज्यादा तो है नहीं, बट हाँ तेरे को आर्मर चाहिए रहेगा, वो तेरे को बताऊंगा कैसे बनाना है। तो अंदर से इसके कुछ नहीं है, ठीक है, अंदर मतलब तू नहीं जा वैसे तो, क्योंकि खाली पड़ा अंदर से। तो जो तेरी बोट है उसमें बैठ के हम आगे चलते हैं उस साइड को, बिकॉज उधर का ट्रेडिंग हॉल वगैरह, ठीक है। तो लेट्स गो। ओके, तो फाइनली गाइस आ चुका है यहाँ पे। तो अभी रात भी होने वाली है, हम यहीं पे सो जाएंगे नीचे, ठीक है। तो लेट्स गो। तो भाई ये देख, मैं ट्रेडिंग हॉल है जो कि टेम्परेरी मैंने बनाया था, अभी तू आगे हम इन फ्यूचर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अच्छी से, ठीक है। ओ भाई भाई देख यहाँ पे लैडर है, इसको यूज क्या करा कर भाई, सीधा नीचे का रहा तू। मेरे को कैसे मालूम होगा, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। हाँ चल ठीक है, एक बार यहाँ पे सो जा भाई, मैं बोलता हूँ क्योंकि एक बार सुबह कर देते हैं, फिर तेरे को नेक्स्ट मॉर्निंग बताता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। हाँ तो भाई ये देख मैं ट्रेडिंग हॉल यहाँ पे, बस मेरे गड्ढे में विलेजर को फेंक दिया था, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी विलेजर हैं आई थिंक सभी के सभी मैंने क्योर किए थे, ठीक है। और यहाँ पे हमें वन एमरल्ड ट्रेड मिल जाएगी। तो एक काम कर तू, रुक जा, तेरे को ना एमरल्ड देता हूँ मैं, ये ले एमरल्ड ले, और इनसे ना तू अपना आर्मर ट्रेड मार ले फटाफट, एटलीस्ट तू डायमंड का आर्मर तो पहन लेगा, तो इनसे मार ट्रेड जो ये वाला है ना, आई थिंक ये आर्मर देगा ये वाला, ये पीछे वाला। हाँ देख, तो ये मैं ट्रेडिंग को तूने देख लिया, ठीक है। देखो टूल्स मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा और आर्मर तेरे पे आ चुका है, एन्चेंटमेंट बाद में जब एक्सपी बन जाएगा तब कर लियो। तो यहाँ से निकलते हैं अभी। हाँ तो ये देख ये मेरा है अपना एक्सपी फार्म जो आई थिंक तूने अपने वर्ल्ड में बनाया था जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है। हाँ और यहाँ पे तू इन फ्यूचर का देखो एक्सपी चाहिए फिलहाल स्टार्टिंग के लिए, तो यहाँ से ले सकता है, ठीक है। और अगर तू इस साइड को आएगा तो यहाँ पे मेरा एन्चार्टमेंट टेबल है जो मैंने यहाँ पे सेटअप किया था, यहाँ पे ट्रेडिंग कर फुल और अपने एक्सपी लेके और एन्चार्ट कर, ठीक है एकदम से। और अभी चलते हैं आगे, चलते हैं आ जा। अरे भाई ये वाला एक्सपी लेवल क्या हमें 30 तक देते हैं एन्चार्टमेंट टेबल? हाँ ये पूरा मैक्स वाला है। और हाँ बाय द वे गाइस, तुम लोग को भी नहीं पता कि यहाँ पे जो मेरा ये शुगर फार्म था मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा ग्लिच कर रहा था। तो इन फ्यूचर अभी देखते हैं अच्छा फार्म यहाँ पे बनाएंगे जो शुगर केन वाला होगा, ठीक है, इस जगह पे। और भाई तेरे को भी पता होगा मैंने यहाँ पे बनाया था जो मैंने तोड़ दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर तू आगे साइड आएगा तो यहाँ पे अपना था नेदर पोर्टल साइड को, जो कि सिंपल है, मैंने स्पीड वाला पोर्टल बनाया था क्योंकि यहाँ पे लावा पोल था, आके देख ले। तो भाई ये मेरा शीप फार्म जो कि मैं अपने लेटेस्ट वीडियो में बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज डाल दी है। तो यहाँ पे एक दो तीन चार, चार कलर नहीं है यहाँ पे जो हम इन फ्यूचर ले आएंगे। तो बाकी बता देखो ये कैसा लगा बिल्ड? बिल्ड तो मस्त बनाया भाई, बिल्ड तो बहुत ही रहा है। हाँ बिल्ड तो काफी अच्छा बना रखा तुमने बाहर। ये मेरे डॉग्स हैं भाई, इनका नाम अभी मैंने नहीं दिया, मैंने कमेंट्स में बोला था लोगों को, लोगों का कमेंट भी आया था बट मैं देना भूल गया। बाकी जो इस वीडियो में कमेंट करेगा भाई उसका नाम दे देंगे।
आप एक काम करना, तीन डॉग्स है ना, आप इसके कमेंट्स में भी जाना, आप मेरे कमेंट्स में भी आना, ठीक है? कमेंट करना जो भी अपना नाम देना चाहते हो और हम वही दे देंगे इनका, ठीक है? चलो तो भाई सुन, अभी है मेरे इस वर्ल्ड का मेन बिल्ड, ठीक है, जो कि मेरा बेस्ट बिल्ड है अभी तक का, वो है आयरन फार्म। भाई तू गेस कर यहाँ पे कितने लेजर हो सकते हैं, मतलब एक तुक्का मार दे, चल क्या पता तुक्का ठीक हो जाए। 50 विलेजर नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे पूरे 40 विलेजर्स हैं। तो यहाँ पे एक टाइम पे चार गोलम स्पॉन होते हैं और ये काफी अच्छा, अगर अंदर आते को बताता हूँ। भाई जब से तूने ये वीडियो डाली ना, मैं देखना चाहता था यार ये वाला। भाई देख, किसी किसी को मौका मिलता है मेरे वर्ल्ड में आने का और तू लकी निकला। हाँ तो यहाँ पे मैंने सारे लीडर को एक ही जॉब दी है, वो है फ्लेचर, बिकॉज भाई ये जो जॉब है ये हर टाइम काम करती रहती है, मतलब अगर रेनी सीजन है, अगर रात में है, मतलब कुछ भी लगा ले तू, हर टाइम ये लीडर काम करते रहते हैं, ठीक है? और अगर तेरे को कलेक्ट करना है यहाँ पे आयरन, तो इसको कॉल यहाँ पे अंदर देख चेस्ट के। ओ भाई साहब, हाँ मतलब इनफ है, मतलब यहाँ पे एफ के आज तक नहीं किया, बस ये फार्म बना रहा था ना सामने वाला शीप फार्म, तभी एफ के हो गया, तो इतना आयरन प्रोड्यूस हो गया, मतलब काफी सही है। तो यही मेरा वर्ल्ड टूर है, मैंने अभी तक यही बिल्ड किया था, ठीक है? तो अभी जो भी बिल्ड करें मिलके बिल्ड करने वाले हैं, और मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो में हम दोनों अपने अपने घर बना लें, बिकॉज जो मेरा स्टार्टर हाउस है वो काफी यू नो बेकार सा बनाया था। तो आज चैलेंज करते हैं, मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, तुम्हें को चैलेंज कर कि किसका घर ज्यादा अच्छा बनेगा, क्या बोलता है? अरे वो तो ऑडियंस बता ही देगी मेरे भाई। हाँ वो तो है, बता तो, वो तो बता देगी, वो तो मेरे को पता है, बिकॉज जीतने तो मैं ही वाला हूँ, बाकी देखते हैं। अरे तू जा रे। नहीं नहीं नहीं, देखते हैं ना भाई, अभी पहले तो मैं। चलो देखते हैं, कमेंट कर दो लेजी बॉय, जल्दी कर दो। नहीं नहीं भाई, आपको पता है कौन सा लिखना है, अभी वर्ड लिखना है आपको, ठीक है? फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है? चलो एनीवेज सुन 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 सुन, अभी तू देख ले देखो कौन सा घर बनाना है, मैं देखता हूँ मेरे को कौन सा घर बनाना है, ठीक है? और उसके बाद जल्दी से मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और आई थिंक तेरे को अभी टूल्स चाहिए रहेंगे, है ना? तो मैं तेरे को जल्दी से वो प्रोवाइड करता हूँ। तो गाइस अभी आप लोग को, हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ टूल्स तो चाहिए, लेकिन मेरे पास खाने की भी कमी हो रही है। अरे अरे सब देता हूँ, रुक जा। तो गाइस अभी इसको मैं स्टार्टर टूल्स, मतलब कि जो मेरे पास टूल्स हैं सेम डायमंड के टूल्स, प्रोवाइड कर देता हूँ फटाफट, ठीक है? और उसके बाद आपको मिलते हैं, और ठीक है तो लेट्स गो। तो ऑलरेडी गाइस मैं फाइनली यहाँ पे आ चुका हूँ, तो अभी आएगा छोटा टाइम स्लैप और कलेक्ट करूंगा जल्दी से अपने स्प्रूस के लॉग्स, तो जल्दी से करता हूँ, तो लेट्स गो। ओके तो फाइनली गाइस मैंने इनफ कलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे, जितने भी को चाहिए थे आई थिंक तो उतना कलेक्ट हो गया, ठीक है? और मैंने यहाँ पे ना ऑफ स्ट्रीम पे ये ग्राइंड किया थोड़ा सा, यहाँ पे देखो मैंने दो टर्टल को यहाँ पे बंद किया था, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग को दिखा दूँ। तो ये देखो इसकी एंट्रेंस मैंने कहाँ से बनाई थी, मेरे को याद नहीं है, इस साइड को थी क्या? नहीं एंट्रेंस की नहीं है, मतलब आप यहाँ से देख लो बस, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये बना दिए थे, उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट करवा दी थी, यहाँ पे तो एग्स भी हैं जो भी हैच होने वाले हैं। और भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये देखो ये मेरी कॉपी कर रहा है भाई, ये भी यहीं पर घूम रहा है कहीं पर, देखना मैंने इसको, इसका नेम टैग देखा था और ये यहीं पे घूम रहा है भाई, देखना कहाँ पे है ये, नाम तो देखा था मैंने इसका कहीं पे, मतलब ये भी स्प्रूज के लोग कलेक्ट कर रहा है, मतलब कुछ ये भी स्प्रूज का बिल्डिंग बनाने वाला है, मतलब कॉपी कर रहा है भाई हमारी। चलो एनीवेज अभी चलते नेक्स्ट वीडियो कलेक्ट करने के लिए, जो कि है मेरे को चाहिए स्टोन, ठीक है? तो लेट्स गो, भी चलते हैं वहाँ पे। ओके तो कैसे मैं आ चुका हूँ केव में, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए ग्रेनाइट और एक मेरे को चाहिए ये स्टोन, ठीक है? तो अभी मैं सोच रहा हूँ यहीं से खोदना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज यहीं पे है ये, तो लेट्स गो। और तो मिलता हूँ आपको टाइम स्लिप के बाद, ठीक है? तो एंजॉय करना इसको भी। ओके तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जितना मेरे को स्टोन एंड डिनाइट चाहिए था। तो अब मेरे को चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ग्रेवल, हाँ ग्रेवल और सैंड, बिकॉज मेरे को चाहिए अभी थोड़ा सा कंक्रीट, बिकॉज मेरे बिल्ड में कंक्रीट भी लगने वाला है और काफी अच्छा बिल्ड आने वाला है वो, तो ठीक है? तो अभी जल्दी से इसको कलेक्ट करते हैं, बिकॉज ये मेरे को चाहिए, तो अभी फिर फटाफट इसको कलेक्ट करता हूँ और मिलता हूँ आपको एंड 3 2 नहीं नहीं टाइम स्लैप दिखाऊंगा यार, ऐसे नहीं करने वाला, लास्ट टाइम स्लैप है, ठीक है? और जल्दी से मिलता हूँ आप लोग को।
ओके, तो फाइनली गाइस मैंने पूरा लेआउट बना लिया है पूरे घर का। तो ये देखो पीछे लेआउट है पूरा, और यहाँ पे मेरा घर आने वाला है। और बस मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया, आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, तो ये वाला सामान और ये वाला सामान, तो ये सारा सामान इस घर में लगने वाला है और काफी अच्छा घर बनेगा। और बाय द वे भाई उसने भी घर बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको दिखा देता हूँ हल्का सा। वो देखो उसे पिलर खड़े कर दिए, वो बना रहा है कुछ तो। ठीक है चलो उसको बना दो, अब हम भी बनाते हैं, हम भी स्टार्ट करते हैं। और फिर मिलता हूँ आपको अभी टाइम लैप्स के बाद घर के। ठीक है फिर आप बताना कि आपको घर कैसा लगा। तो लेट्स गो, अभी आएगा टाइम लैप, इंजॉय करना और कमेंट्स करो कि अगले एपिसोड आपको किस चीज के चाहिए। ठीक है मेरे को बता देना। तो लेट्स गो। तो फाइनली गाइस मेरा फाइनली बिल्ड बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। एक्चुअली मेरा नहीं, हम दोनों का कम्प्लीट हो चुका है। और भाई दोनों घर काफी ओपी बने हैं। अब आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं कि कौन सा घर ओपी बना है, आप लोग बताना कमेंट्स में। तो अभी पहले आप इसका घर देखोगे, फिर आप मेरा घर देखोगे। आपको बाहर से दोनों घर दिखा देता हूँ अभी मैं। तो पहले जो हाउस टूर होगा इसका आएगा। ठीक है तो लेट्स गो, अभी स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये देखो, ये वाला घर जो राइट साइड है ये मेरे वाला घर है। ठीक है और ये बीच में शिफा आ गया और साइड वाला आ गया इसका घर भाई। और जो इसका घर है ना, आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपने घर कहाँ देखा और कौन सी सर्वाइवल सीरीज में देखा है, क्योंकि ये घर काफी यू नो पॉपुलर हुआ था। चलो अभी स्टार्ट करते हैं ऑलरेडी। तो गाइस अभी अपना हाउस टूर देने वाला है, तो लेट्स गो। चल भाई दिखा अपना हाउस। चल भाई आजा मेरे पीछे पीछे, ये देख मेरी एंट्रेंस। हाँ तो भाई इसकी एंट्रेंस है। हाँ अच्छी भाई, बहुत अच्छी है, बढ़िया बनाई है। बढ़िया ही बनाता हूँ, बिल्कुल अंदर आ। हाँ हाँ चल चल। ओ भाई साहब, भाई बाय द वे मैंने इसका घर अभी पहली बार देखा है, पहले मैंने नहीं देखा था और ना ही इसने मेरा घर देखा है। वैसे तो देखते हैं वैसे किसका घर आपको अच्छा लगता है। वैसे इसकी एंट्रेंस तो काफ़ी अच्छी है, इसने बढ़िया सा यू नो पेंटिंग का यूज़ किया और बैरल यूज़ किए हैं। चल आगे दिखा भाई। देख रहे कितनी सारी है नूबड़े। आज चल ना भाई, चल 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 ये देख। ओ भाई साहब, मतलब इंटीरियर ने काफी अच्छा किया है। अगर आप देखो यहाँ पे कैंपर का काफी अच्छा इस्तेमाल किया है। और भाई जो भी पेंटिंग है ये 1.21 है, काफी अच्छी आई है यार। ये दो विलेजर्स वाली पेंटिंग आ गई और ये भी नहीं है, मतलब अच्छी लग रही है। बाय द वे मैंने भी यूज किया पेंटिंग अपने घर में। ये रहा बॉट, ये बॉट का बच्चा। मतलब तू ना, चल ऊपर। चलो भाई चलो अभी ऊपर के फ्लोर पे चलते हैं। और ओ भाई 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 अच्छा भाई, अच्छा बनाया, अच्छा भाई बहुत अच्छा है। और अब इसका बेडरूम कहाँ पे भाई, तेरा इस साइड है क्या? नहीं इधर तो इसका टॉयलेट आ गया, इस साइड होगा आई थिंक सो। हाँ तो ये, ओ भाई 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 ये तेरी क्वीन है क्या भाई? हाँ ये मेरी क्वीन है, पता है इसके साथ मैं क्या करता हूँ? अरे भाई मत, नहीं 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 नहीं, हो गया हो गया हो गया, छोड़ दे इसको भाई, क्या लौंडा है ये भाई, बाहर क्यों जा रहा है देख तो। नहीं 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 भाई ठीक है, ये बस ठीक है ठीक है, ये भाई इसका बेडरूम था, काफी अच्छा बनाया, निकलता है यहाँ से। नहीं 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 भाई थैंक यू, दिक्कत नहीं है मेरी। अरे नहीं 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 भाई नहीं, मेरी ऑडियंस को दिक्कत है, नहीं देख रहा भाई, नहीं देख रहा, नहीं देखना भाई, नहीं देखना नहीं देखना। देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया भाई देख लिया। भाई इसका घर काफी अच्छा है, ये देखो ऊपर से आपको दिखा देता हूँ उड़ के। तो ये देखो बाकी भी आप से बताओ, फिर से बोल रहा हूँ आपको, आपने ये घर कहाँ पे देखा था? भाई इसे थोड़े चेंज किया है, मतलब थोड़ा ना काफी चेंज किया है, बाकी बताना आप कमेंट्स में। चल भाई देखो अभी मैं अपना घर दिखाता हूँ, तो बाहर आ जा लेट्स गो। तो अभी आएगी मेरे घर की बारी, देख ले। हाँ हाँ आ जा भाई। तो भाई साहब ये मेरा घर है और एक काफी ओपी है, बाहर मैंने यूज किया है यू नो लीव्स का काफी ज्यादा। मतलब ये फेक वाला दिया है, असली वाला दिया तूने?
अरे भाई क्या हो गया इसको। चलो एनीवेज एक काम छोड़ो। करते हैं, वे सुन, हाँ आज से वो तक वो वाला घर तेरा और ये वाला मेरा, भाग जा यहाँ से चल। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा। तो भाई ये मेरा बाहर से घर ऐसा दिख रहा है जो कि काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को, तो मैंने काफी ज्यादा डिटेलिंग इसमें की है, क्योंकि अभी चलते हैं अंदर और मैं अपने तीन कुत्तों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, तो अभी चलते हैं अंदर के साइड। तो भाई ये देखो मेरा घर अंदर से। बाय द वे जो भी इंटीरियर है वो हमारा ऑलमोस्ट सेम नहीं बोल सकता, मतलब इंटीरियर ये जो हमने कारपेट यूज की है ये हमने डिसाइड कर रहे थे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, और जो काफी अच्छा लग रहा है। बाकी मैंने यहाँ पे सीनरीज यूज की है, यहाँ पे डाइनिंग एरिया आ गया और इस साइड मेरी किचन टाइप मैंने बनाया था जो कि काफी ओपी है। देखो कैसा लग रहा है भाई। खतरनाक भाई, अरे 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 हाँ चल ठीक है, अभी चलते हैं ऊपर की साइड। इधर आ इधर आ, ऊपर लेके चलता हूँ तेरे को। और यहाँ पे ठीक मेरा है, एक तो और, ज्यादा अच्छा बनाइए। अरे ठीक है भाई ठीक है। और इधर मेरा एक और यहाँ पे बस ऐसी मैंने बना दिया था, यहाँ पे जगह खाली थी जो कि काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे स्टेयर है, यहाँ पे इसको यूज करके ऊपर आ जा। और अरे इस बॉस, साइड हाँ, यहाँ पे तूने होटल बनाया, यहाँ पे कुछ होता है गुल्लू गुल्लू गुल्लू? अरे भाई तू भाग जा यहाँ से, दिखियो मत मेरे को। हाँ तो बाय द वे गाइस यहाँ पे मेरा ये पूरा ये एकदम होटल वाली वाइब दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक और रूम है देखो, यहाँ पे फर्स्ट रूम जो कि इसके अंदर आप देख लो, ज्यादा नहीं दिखा रहा मैं। उसके बाद एक यहाँ पे रूम आएगा, देखो पहले जा रहा है मेरे से, पहले जा रहा है ये नुबड़ा। ये देखो यहाँ पे एक और रूम है, और यहाँ पे पेंटिंग, भाई जो पेंटिंग्स है मैंने की काफी ओपी है, मेरे को तो काफी बढ़िया लग रहा है वो चीज। और इस स्टडी रूम से आपने देख लिया, यहाँ पे भी रूम है, यहाँ पे भी रूम है, यहाँ पे भी रूम है, और यहाँ पे भी रूम है, मतलब रूम्स तो काफी है। और भाई ओए यहाँ पे है तेरी क्वीन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये देख। मेरी हाँ क्वीन चोरी करते हैं। ओए 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 चोरी नहीं की, चोरी नहीं की, उसकी मेरे को पेंटिंग मिली जिसने मैं ले आया। हाँ तो अभी चलते हैं ऊपर की साइड। ऊपर मैंने मेरे कुछ बनाया नहीं है, बट हाँ एक चीज है वहां पे देखो, दिखा देता हूँ, आ जा। तो अगर हम ऊपर आएंगे भाई ये क्या हो गया, आ जा ऊपर। नहीं, ओयो होटल के जैसे ये छोटे अरे छोटे भाई चुप रह तू। तो भाई ये देख मेरा एंचार्टमेंट टेबल मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। बाकी मैंने ऊपर इंटीरियर नहीं किया, बिकॉज मैं यहाँ पे भाई काफी वो हो चुका था, मैं थक गया था, तो सोचा कि इतना ही बहुत है। आप लोग मेरे को इतने में से बता देना कि आपको कैसा लगा। अभी चलते हैं नीचे की साइड बालकनी में, और इस साइड को मेरी बालकनी आती है, ये देखो। ओ भाई साहब ये बालकनी काफी अच्छी है। तो बस यही था मेरा पूरा हाउस टूर, बाकी मेरे को बता देना। अभी चलते हैं नीचे की साइड और आउटडोर करते हैं, ठीक है लेट्स गो। ओए कुछ आखिरी बोलना चाहेगा, कैसे लिख रहा पूरा घर मेरा। हाँ भाई, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हाँ हाँ अपने कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि किसका घर आपको ज्यादा अच्छा लगा, इस नूबड़े का कि मेरा। हाँ वो तो अरे बता ही देंगे लोग, क्यों मार रहा, अगर मैंने मारा तो मर जाएगा यहीं पे। हाँ चलो गाइस अभी चलते हैं आउटरो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स गो, मैं करूँगा अपने घर के बाहर आउटरो जो कि एकदम ओपी घर बना है, और निकल यहाँ से अभी, चल अपने घर के बाहर चल। चलो अरे निकल जा निकल जा निकल जा, ये पिटेगा ये पिटेगा ये पीटेगा, नहीं मार रहा नहीं मार रहा ये गया आई थिंक सो। ओ कितना हार्ट है तेरा, दो हार्ट बचा कमीने। खत्म। तो हां जी गाइस कैसी लगी, आ गया स्वाद। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इट विल मीन अ लॉट। और भाई कमेंट करना मत भूलना, कमेंट बता देना कौन विनर है, हम दोनों को मोटिवेशन मिलेगी इससे। और भाई दोनों को चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करो दो बाकी बाकी। और तो कुछ नहीं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए और क्या कंटेंट चाहिए रहेगा, बता देना वैसे क्या बिंदास। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय, और हाँ साइनिंग ऑफ।